भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच सिडनी में कल से शुरू हो रहा है, लेकिन मैच से पहले भारतीय टीम के सामने कई चिंताएं खड़ी है। केएल राहुल और उमेश यादव चोटिल होकर सीरीज से बाहर हो गए हैं, वहीं विराट कोहली भी पहले टेस्ट के बाद ही पेरेंटल लीव पर जा चुके हैं, तो जाहिर है कि मैच से पहले टीम इंडिया के सामने कई मुश्किल सवाल हैं। प्रोटोकॉल तोड़ने वाले 5 खिलाड़ियों पर फैसले से लेकर रोहित शर्मा की परफॉर्मेंस और ब्रिस्बेन में मैच होने की संभावनाओं को लेकर कई ऐसे सवाल हैं जो भारत के हर एक क्रिकेट प्रेमी के मन में गूंज रहे हैं। पर चिंता मत करिए, इन सभी सवालों के जवाब हम आपको देंगे। जिन 5 खिलाड़ियों पर कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ने के आरोप लगे हैं, उनका क्या होगा? कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ने वाले 5 खिलाड़ियों यानी रोहित शर्मा, शुभमन गिल, पृथ्वी शॉ, नवदीप सैनी और ऋषभ पंत समेत दोनों टीमों के सभी खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ का कोरोना टेस्ट रिपोर्ट निगेटिव आई है। सभी खिलाड़ी सिडनी भी पहुंच चुके हैं, ऐसे में ये 5 खिलाड़ी भी सिलेक्शन के लिए अवेलेबल रहेंगे। 1 साल बाद वापसी कर रहे रोहित शर्मा कहां खेलेंगे? बतौर ओपनर रोहित का प्रदर्शन शानदार रहा है, ऐसे में संभव है कि आउट ऑफ फॉर्म चल रहे मयंक अग्रवाल को टीम से बाहर कर रोहित से ओपनिंग करवाई जा सकती है। हालांकि रोहित ने अभी तक विदेश में किसी टेस्ट में ओपनिंग नहीं की है और उन्हें इस दौरे में प्रैक्टिस का समय भी नहीं मिला है, ऐसे में उन्हें सीधे नई बॉल का सामना करने की जगह मिडिल ऑर्डर में भी जगह दी जा सकती है। रोहित मिडिल ऑर्डर में खेलें तो किसकी जगह लेंगे? इस सिचुएशन में टीम मैनेजमेंट 2018-19 के ऑस्ट्रेलिया दौरे वाला फार्मूला अपना सकता है, जिसमें हनुमा विहारी से ओपनिंग करवाई गई थी। हनुमा विहारी की डिफेंसिव टेक्निक और प्रेशर हैंडल करने की क्षमता को देखते हुए उन्हें फिर से ये रोल मिल सकता है। चोट लगने के कारण टीम से बाहर हुए उमेश यादव की जगह कौन लेगा? अब तक भारत के 3 धाकड़ गेंदबाज यानी ईशांत शर्मा, मोहम्मद शमी और उमेश यादव चोटिल होकर टीम से बाहर हो चुके हैं। पिछले मैच में डेब्यू कर रहे सिराज अहमद ने बढ़िया प्रदर्शन किया, ऐसे में उनका खेलना तय है। अब शार्दुल ठाकुर, नवदीप सैनी और टी नटराजन में से किन्हीं 2 को ही टीम में लिया जाएगा, पर सिडनी की पिच स्पिनर्स के लिए मददगार होती है, ऐसे में टीम मैनेजमेंट कुलदीप यादव को खिलाने के बारे में सोच सकता है, लेकिन अश्विन के फॉर्म को देखते हुए इसकी संभावना लगभग न के बराबर है। क्या राहुल की जगह कोई नया बल्लेबाज टीम के साथ जुड़ेगा? कोरोना काल में किसी भी खिलाड़ी को जुड़ने के लिए ऑस्ट्रेलिया पहुंचने के बाद 14 दिन क्वारंटाइन रहना होगा, इतने दिनों में तो सीरीज ही खत्म हो जाएगी। ऐसे में इस बात की संभावना नहीं दिखती कि कोई दूसरा खिलाड़ी राहुल की जगह भेजा जाएगा। 4th टेस्ट ब्रिस्बेन में होगा या नहीं, क्या इसे लेकर भी सवाल हैं? दरअसल ऑस्ट्रेलिया में कड़े कोरोना प्रोटोकॉल फॉलो किए जा रहे हैं, ऐसे में सिडनी से ब्रिस्बेन पहुंचने पर टीम को होटल में आइसोलेट किया जा सकता है। टीम इंडिया इसका कड़ा विरोध दर्ज करा चुकी है, ऐसे में या तो टीम को ब्रिस्बेन आने पर प्रैक्टिस की छूट होगी या फिर टीम इंडिया 4th टेस्ट भी सिडनी में ही कराने को कहेगी। ऐसा नहीं हुआ तो 4th टेस्ट रद्द भी हो सकता है। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।